नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसपी सिंह और आप देख रहे हैं एसपीएल लैब रनिंग। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालों को कवर करने वाले हैं जो लोग हमारे एसपीएल कैश के साथ जुड़े हुए हैं और जो घर बैठे पैसे कमा रहे हैं, उनके कुछ कॉमन सवाल हैं, उनके जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दूं, एसपीएल कैश हमारी संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का ऑनलाइन इनकम प्लेटफॉर्म है, जिसके साथ हर दिन हजारों लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। हमारी संस्था के साथ रजिस्ट्रेशन कराने की सबसे अच्छी बात यह है कि रजिस्ट्रेशन कराते ही आपको 8,800 रुपए मिल जाता है, जिसमें 8,000 रुपए आपको संस्था से जुड़ने का मिलता है और 800 रुपए जब आप अपना फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म को भरने में आपकी फीस लगती है 800 रुपए, वो आपको वापिस मिलती है। लेकिन ये पैसा आपके आईडी के अंदर आपको तभी दिखाई देगा जब आपने अपनी एसपीएल कैश आईडी को एक्टिवेट करा लिया होगा, यानी 800 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके आपने अपनी आईडी को एक्टिवेट करा लिया होगा, तभी आप ये पैसा देख पाएंगे। तो अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल निकलकर ये आता है, जब संस्था हर किसी को 8,800 रुपए देती है तो फिर लोगों से रजिस्ट्रेशन का 800 रुपए क्यों लेती है? तो इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि रजिस्ट्रेशन आपका एसपीएल टीम करती है, जबकि पैसा आपको संस्था स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन देती है। तो स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है वो आपसे एक भी पैसा नहीं लेती है, लेकिन जो एसपीएल टीम है जो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करती है, आपकी पूरी जानकारी संस्था तक पहुंचाती है, उसमें 40 लोगों की टीम है जो आपके लिए काम करती है, तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 20 रुपए लेता है आपके फॉर्म को कंप्लीट करने का, तो ये उन लोगों का चार्ज है। इसीलिए एसपीएल टीम के लोग आपसे 800 रुपए फीस लेते हैं, न कि संस्था। संस्था में रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है और इसीलिए आपका 800 रुपए रजिस्ट्रेशन में खर्च होता है तो संस्था आपको 8,800 रुपए देती है। अब दूसरा कारण इसका यह है कि संस्था एसपीएल टीम को सीधा पैसा क्यों नहीं दे देती, जबकि रजिस्ट्रेशन करने वाले को भी तो वापस करती है। तो इसका जवाब यह है, अगर संस्था हर रजिस्ट्रेशन पर एसपीएल टीम के लोगों को पैसा देने लगी तो फिर एसपीएल टीम के लोग हर दिन हजारों फर्जी रजिस्ट्रेशन करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें तो रजिस्ट्रेशन करते ही पैसा मिलता जाएगा। फिर वहां पर संस्था का बहुत सारा पैसा एसपीएल टीम के लोगों के पास ही पहुंच जाएगा, चाहे वो फर्जी रजिस्ट्रेशन करें या फिर ऐसे व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करें जो संस्था के साथ काम करना चाहता हो। लेकिन संस्था कहती है कि मैं पैसा केवल उन लोगों को दूंगी जो लोग मेरे साथ काम करते हैं, और संस्था के साथ काम करना यानी आप बेरोजगार हैं, यानी आपको खुद को बेरोजगार साबित करना होगा। संस्था केवल ऐसे लोगों को बेरोजगार मानती है जो कम से कम अपने रेफरेंस से 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा दें और वो 10 लोग बेरोजगार होने चाहिए। जी हाँ, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो संस्था में अपने रेफरेंस से 10 बेरोजगार लोगों के रजिस्ट्रेशन करा देता है तो ऐसे लोगों को संस्था अपने साथ जुड़ने का 8,000 रुपए देती है, साथ में उन्होंने जो फॉर्म भरने में 800 रुपए खर्च किया है उसको भी वापस देती है, साथ में 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने का पैसा आपको अलग से देती है। अब बेरोजगार व्यक्ति की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दी है, ऐसा कोई व्यक्ति जो अपने रेफरेंस से संस्था के अंदर कम से कम 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन करा सके, ऐसे ही व्यक्ति को संस्था बेरोजगार मानती है। अगर आपने 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं और उन 10 लोगों ने संस्था में 10-10 लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, तो इसका मीन्स ये है कि आपने जिन 10 लोगों के रजिस्ट्रेशन कराए हैं वो बेरोजगार नहीं है, इसीलिए उन लोगों के रजिस्ट्रेशन से आपके काम में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, सिर्फ आपको उनका रजिस्ट्रेशन कराने का 200 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से 2,000 रुपए मिलेगा। अगर वो बेरोजगार व्यक्ति होते तो वो भी अपने रेफरेंस से 10-10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा चुके होते, यानी केवल संस्था ऐसे लोगों को बेरोजगार मानती है
जो लोग अपने रेफरेंस से 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो आपको जब भी किसी व्यक्ति का अपने रेफरेंस से रजिस्ट्रेशन कराना है तो सिर्फ ऐसे का कराना है जो अपने रेफरेंस से कम 10 बेरोजगार लोगों के रजिस्ट्रेशन करा सके। अदरवाइज ऐसे किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है जो संस्था के साथ दिल से काम नहीं करना चाहता हो, क्योंकि एक बार आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लग गई तो फिर रजिस्ट्रेशन फीस किसी भी दिशा में वापस नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि इसमें कैंसिलेशन पॉलिसी भी होनी चाहिए। तो एक कैंसिलेशन पॉलिसी भी है संस्था के पास, कैंसिलेशन पॉलिसी भी है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करा सकते हैं, लेकिन आपको फिर संस्था द्वारा खर्च किया गया पूरा पैसा आपको वापस करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन पर संस्था 15,000 रुपए खर्च करती है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन संस्था में कराते हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन पर संस्था का टोटल 15,000 रुपए खर्च होता है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में तो मात्र 800 रुपए ही फीस देनी है, लेकिन कैंसिल कराने के लिए आपको 15,000 रुपए की फीस जमा करनी पड़ेगी, तब जाकर संस्था आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेगी। संस्था में कैंसिलेशन फीस 15,000 रुपए के साथ साथ आपको 100 रुपए का एक एफिडेविट भी भेजना होगा कि मैं इस संस्था से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता हूं और भविष्य में संस्था द्वारा दिए जाने वाले किसी भी लाभ को मैं नहीं लूंगा। अगर मैं कभी दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन इस संस्था में कराता हूं तो अपनी रजिस्ट्रेशन की पूरी फीस 15,000 रुपए दोबारा से जमा करूंगा। यानी आपको ये एफिडेविट में शपथ पत्र लिखकर भी देना पड़ेगा, तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का एप्लीकेशन संस्था में रिसीव होगा उसके 90 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। साथ में उस दौरान रजिस्ट्रेशन कराने से लेकर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के बीच में संस्था द्वारा अगर आपको कोई बेनिफिट दिया गया है तो वो भी आपको संस्था को वापस करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो नीचे एक चेकबॉक्स सिलेक्ट करते हैं जिसमें आप एक्सेप्ट करते हैं यानी मानते हैं कि मैं संस्था के सभी नियम और कानूनों को मानूंगा, इसीलिए मैं अपना रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं। तो आपका रजिस्ट्रेशन यहां संस्था जीवन भर के लिए करती है, और संस्था का मानना है कि हर व्यक्ति से संस्था को पूरे जीवन में तकरीबन 30,000 रुपए का बेनिफिट होता है। तो आपका रजिस्ट्रेशन करने में संस्था ने जो मेहनत की वो मेहनत आपने बेकार कर दी, इसीलिए अब आपको अपने रजिस्ट्रेशन का खर्चा खुद ही वहन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक समाज सेवी संस्था है, ये लोगों के फायदे के लिए काम करती है न कि आपके नुकसान के लिए। तो आपके रजिस्ट्रेशन करने से इस संस्था में आपका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बिना वजह के संस्था का टाइम पास करते हैं, तो ये ऐसे लोगों के लिए नियम है। हालांकि आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इस संस्था में काम करो या मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही संस्था कभी आपसे पूछने वाली है कि आप क्या काम करते हो। आप काम करेंगे तो उस काम का पैसा आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो संस्था से आप कुछ ले नहीं लेंगे। हमारे साथ काम करने की तमाम जानकारी हमारे इसी चैनल पर दी हुई है, तो आप एक एक करके वीडियो देख सकते हैं। दूसरा spl-cash.com वेबसाइट पर जाकर भी आप तमाम जानकारी ले सकते हैं कि आप संस्था के साथ कैसे काम कर सकते हैं और कैसे पैसा कमा सकते हैं। एक सवाल सबका ये निकल कर आता है, जब संस्था हमें 8,000 रुपए देती है ज्वाइनिंग क्या, तो फिर उस पैसे को हम तुरंत क्यों नहीं निकाल पाते हैं। उसके लिए हमें 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन यानी 10 बेरोजगार लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी क्यों है। तो उसके दो आंसर है। नंबर एक, जब हर व्यक्ति संस्था में नए लोगों के रजिस्ट्रेशन कराएगा तो संस्था के मेंबरों की संख्या बढ़ेगी, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, वेबसाइट पर विजिट करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, और यहाँ पर जो पैसा कमाई होती है, पैसा जो कमाया जाता है वो YouTube चैनल से और वेबसाइट के द्वारा कमाया जाता है। जितने ज्यादा लोग इन चैनल्स की वीडियो देखेंगे और वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो संस्था को कमाई होगी, और उस कमाई में से ही आपको पैसा दिया जाता है। तो पहला कारण तो ये है कि आपको जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है आपकी मेहनत से, अलग संस्था जो आपको पैसा देती है वो संस्था का प्रचार करने का देती है,
और अगर आपने संस्था का प्रचार ही नहीं किया है तो फिर संस्था आपको बिना बात के पैसा क्यों देगी। फिर तो आप काम करो और जितना काम करोगे वो पैसा आपको मिलेगा। फ्री में जो एक्स्ट्रा पैसा आपको मिलता है वो संस्था का प्रचार करने का आपको मिलता है, और आप अगर प्रचार नहीं करते हैं तो संस्था आपको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देगी। दूसरा इसका जवाब ये है, अगर रजिस्ट्रेशन कराते ही हर व्यक्ति अपने 8,000 रुपए को विड्रॉल कर ले तो फिर वो लोग दूसरे लोगों की सहायता नहीं करेंगे, अपने टीम की सहायता नहीं करेंगे, वो अपने ही फर्जी नाम से रजिस्ट्रेशन करा करा कर संस्था से पैसे लेते रहेंगे। तो फर्जी वाले को रोकने के लिए ये एक कदम है, जो पैसा आपकी आईडी में आता है वो आपको ही मिलेगा, आप उसे 2 दिन बाद निकाल सकते हैं। एक दिन में आदमी 10 बेरोजगार लोगों के रजिस्ट्रेशन कर सकता है, और जिन 10 बेरोजगार लोगों के रजिस्ट्रेशन आपने किए हैं एक दिन में, वो अपने अपने 10-10 लोगों के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। आपको बेरोजगार लोगों के रजिस्ट्रेशन कराने का भी पैसा मिल जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 800 रुपए भी वापस आपको मिल जाएगी, और जो संस्था से जुड़ने का आपको 8,000 रुपए मिला है वो भी आपको मिल जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो ये काम करने में 2 दिन लगेगा, और अगर आप इतना काम 2 दिन में नहीं करना चाहते हैं तो 2 महीने में कर लीजिए, अगर 2 महीने में भी नहीं करना चाहते हैं तो 2 साल में कर लीजिए, और अगर 2 साल में नहीं करना चाहते हैं तो 2 जन्म में कर लीजिए, 3रे जन्म में आपको पैसा जरूर मिल जाएगा। तो इस पैसे को आप 2 दिन से लेकर 2 जन्मों तक कभी भी ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। हमारे साथ काम करना इतना आसान है कि आज छोटे छोटे बच्चे भी 30-30, 40-40, 50-50 हजार रुपए महीने कमा लेते हैं, और एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति बोलता है कि ये काम मैं कर नहीं सकता, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, सर मैं टाइपिंग नहीं कर सकता, सर मैं गरीब लोगों को पैसे नहीं बांट सकता, सर मैं बेरोजगार लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकता। तो तुम करा क्या सकते हो, कुछ नहीं करा सकते, अपने घर बैठो और आराम करो। संस्था फ्री में किसी को कुछ देने वाली नहीं है, आपने काम किया हो 1 रुपए का तो 1 रुपया में आपके घर तक पहुंचाऊंगा इसकी गारंटी है, लेकिन बिना काम किया पैसा मांगेंगे तो ना तो संस्था देगी और ना ही कोई और देगा। तो आशा करते हैं आज आप समझ गए होंगे कि आप कैसे संस्था से जुड़कर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। उसके लिए आपको इस चैनल की रेगुलर वीडियो देखनी होगी, सीखना पड़ेगा। उसी प्रकार आपको splcash.com वेबसाइट पर जाकर पोस्ट पढ़नी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। जब तक पूरी नॉलेज आपको नहीं होगी तब तक आप किसी दूसरे को कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं, और ना ही कोई अच्छी वीडियो बना सकते हैं, ना ही फॉरम फिलिंग का काम कर सकते हैं, ना ही ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ना ही कोई अन्य काम कर सकते हैं जो संस्था द्वारा घर बैठे आपको दिए जाते हैं। तो सभी के लिए जरूरी है कि कम से कम लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पूरे कर लें। अगर आप अपने 3 लेवल पूरे कर लेते हैं तो 4, 5, 6 और 7 लेवल अपने आप पूरे हो जाएंगे, उन्हें आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको मेहनत करनी है अपने लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 पर। लेवल 1 पर आप अपने डाउनलाइन की सहायता करें और उनके डाउनलाइन की भी सहायता करें, यानी हर व्यक्ति की सहायता करे तो हर व्यक्ति पैसा कमा सकता है। जी हाँ, क्योंकि ये क्राउड फंडिंग है। जैसे इस चैनल से इस समय पर 43 लाख लोग जुड़े हुए हैं, अगर ये सभी 43 लाख किसी एक वीडियो को एक एक बार देख लें तो संस्था की सीधी सीधी कमाई 43 से 50 हजार रुपए की हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, सब खुद को ज्यादा होशियार समझते हैं और होशियार लोग कभी कामयाब नहीं होता। तो हम यहाँ दूसरे लोगों की सहायता करते हैं इसीलिए हम ज्यादा पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि हम अपने लिए काम नहीं करते, हम दूसरों का सहयोग करने के लिए काम करते हैं। जब हम काम करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा, और अगर हम पैसे के पीछे भागेंगे तो पैसा हमसे और आगे आगे भागेगा। तो इसीलिए काम पर फोकस कीजिए, पैसे पर नहीं। काम करेंगे तो पैसा अपने आप आएगा, और काम नहीं करेंगे पैसा पैसा चिल्लाते रहेंगे तो ना काम मिलेगा और ना पैसा आएगा। तो आशा करता हूँ आज आप समझ गए होंगे कि काम कैसे करना है और कैसे पैसे कमाना है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।